मैं सोहम तिवारी, पीडब्ल्यू के टीचिंग वाला पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, आपको बताया कि आज सीटीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कैसे प्रश्न आए पेपर में, कुछ किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो हमारे साथ एक मैम जुड़ रही हैं, वो बताएंगी कि मतलब कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, कौन से सब्जेक्ट से आप ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मैम, सबसे पहले तो आप नाम बताइएगा, क्या आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं पेपर देने? अच्छा, एम पी सी में। तो आप पहली बार एग्ज़ाम दे रही हैं कि अच्छा सेकंड अटैम्प्ट में? अच्छा, तो आपको ऑनलाइन मतलब कि जैसा ऑनलाइन बुक का एग्ज़ाम होता है तो आपको पहले ही से पता होगा। तो आपको जो सीरेट का भी एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली में, तो उसका थोड़ी बताइएगा कि मतलब कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम किस सब्जेक्ट में गेन कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो रहे हैं। तो जो सी डी पी का एग्ज़ाम है, सी डी पी का सब्जेक्ट है, उसमें आप ऐसे कोई टॉपिक बता सकती हैं कि जिस टॉपिक से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा से क्वेश्चन आ रहे हैं? पी आई जी से दो क्वेश्चन थे। अच्छा, और जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी से भी कैसा था, हिंदी से ग्रामर का कैसा था? अच्छा, और जो ई बी एस से आपका पर्यावरण से रिलेटेड ई बी एस का पोर्शन कैसा था आपका? ई बी एस में एक तो मिजोरम की भाषा। अच्छा, और एक राजस्थान का। अच्छा,